अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये जो व्लॉग है ये 28 तारीख का व्लॉग है। एक्चुअली मैं ये व्लॉग को एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, 2 दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने इसकी एडिटिंग की और आप लोग आज देख रहे हो ये, लेकिन 28 तारीख का व्लॉग है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, 28 फेब का। तो यहाँ पे मैंने उज़्मा के लिए ना नहाने का पानी गर्म करने चढ़ाया था, उसको नहलाने लेके जा रही थी, और रोटी भी बन चुकी है घर के अंदर। मैं बनाने वाली थी करेले की भाजी, करेले की, बट गली के अंदर मच्छी वाली आई और वो 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बोल रही है अम्मी मच्छी खाने का, मच्छी खाने का। लेकिन हम लोग मच्छी लाने जा ही नहीं रहे क्योंकि मैं मच्छी नहीं खा सकती थी इसलिए। तो उस फिर वो मच्छी वाली आई तो मैं, उसके पास भी ज़्यादा कोई मच्छी नहीं थी, मांदे ली थी, डोमा वगैरह कुछ तो था, तो मैं मांदे ली ले ली। तो जब मच्छी ले ली तो फिर मैंने सोचा चलो साथ में दाल चावल भी बना लेते, क्योंकि माशाल्लाह से हम दोनों माँ बच्ची को ना दाल चावल और मच्छी खाना बहुत पसंद है, मुझ बाबू को भी पसंद है, हम तीनों की जो शौक है खाने में बहुत मिलते जुलते हैं। तो ऐसा है। और यहाँ पे जो है मैं दाल के अंदर बघार के लिए सिर्फ एक छोटा कांदा यूज़ करती हूँ, टमाटर और 2 हरी मिर्ची उबालने के वक्त पे ये 3 चीज़, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करती हूँ और इसको सीटी होने के लिए रख देती हूँ। साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। ठीक है, अभी मैं फ़िश को क्लीन कर लूँगी। अब देखिए फ़िश मेरी है ना साफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी है ना मांदेली फ़िश में थोड़ा सी नमक और हल्दी ऐड करके ना उसको अच्छे से मसल के क्लीन करने से वो जो ऊपर जो उसके कड़क कड़क जो उन उसकी स्किन होती है ना वो निकल जाती है और अच्छे से क्लीन हो जाती है फ़िश। तो वही अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मसल लूँगी और पानी से इसको क्लीन कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर है ना मसाला लगा के इसको साइड में रख दूँगी और उज़्मा को मैं नहलाने लेके चले जाऊँगी। तो फिर आते मतलब नहलाने के बाद तुरंत ही फिर मैं उसको खाना खिला सकती हूँ। तो यहाँ पे ना अदरक लहसुन घर में पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने घर में पीसा अदरक लहसुन, लेकिन वो कम क्वांटिटी में था इसलिए जार के अंदर वो बारीक नहीं हो रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने उसके अंदर जो धनिया हल्दी मिर्ची की बुकी थी वो भी मैंने मिक्सर के जार में ऐड की, ताकि क्वांटिटी थोड़ी बढ़ेगी तो मसाला अच्छे से पीस जाएगा। तो फाइनली मसाला रेडी हो चुका है। वैसे भी हल्दी धनिया मिर्ची तो हम डालते ही हैं मच्छी में, तो मैंने इसीलिए जार में ऐड किया ताकि मसाला पीसे अच्छे तरीके से। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से अभी पूरी मच्छी में अप्लाई कर दूंगी। मैं मच्छी बना रही थी, मेरा इतना मन कर रहा था मच्छी खाने का, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ मच्छी नहीं खाना चाहिए मुझे अभी, तो इसके लिए फिर मैं मच्छी नहीं खाई थी। ठीक है, और यहाँ पे दाल भी उबल गई है अच्छी तरीके से, मैं इसको चम्मच की मदद से ही मैश कर लूँगी और इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। और किसी ने पूछा था आप कौन सी दाल बनाते हो, तो मेरे घर में ज़्यादातर मसूर की और तुअर की दाल बनती है। कभी कभी मसूर अकेली बन जाती है, कभी कभी तुअर अकेली बन जाती है, और कभी कभी मसूर और तुअर को आधी आधी क्वांटिटी में मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये जो दाल मैं बना रही हूँ ये तुअर और मसूर मिक्स है। बस उसको उबालने के टाइम पे मैंने कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची और हल्दी डाला था, और अब यहाँ पे मैं बघार दूँगी। ठीक है, तो एक तरफ गैस पे मैंने दाल को उबालने के लिए रख दिया। अभी पानी ऐड करने के बाद दाल थोड़ी कच्चा पानी अलग अलग दिखता ना, तो इसके लिए वो उबल जाए इसलिए एक साइड पे उसको रख दिया। और दूसरी साइड पे मैं बघार के लिए थोड़ा राई, ज़ीरा, और नीचे आप देख सकते हो मैंने ना कड़ी पत्ता और लहसुन को काट के रखा है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब बस मैं इसका बघार लगा दूँगी। जाओ बघार दे दो। क्या पागल दिखती हूँ? कैसे? इस टाइम में अरे तुम अभी अच्छे लग रहे हैं, वो मुंह पे लिप बाम लगाता क्या? कोई लगाने से पागल दिखते कि नहीं लगाने से पागल दिखते? ये मेरे से नाराज है अभी, इसको मुंह पे लिप बाम लगाने का, ब्लशर लगाने का इसको। हाँ, इसके ऊपर लगाकर मचलूंगी तो वो ब्लशर बन जाएगा। लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे तुम वो लगा के उसमा। नहीं बेटे, अरे तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे बाबा। और लिप बाम होंठ पे लगाने के लिए होता है, मुंह पे लगाने नहीं होता है। देख मच्छर देख कितने घूम रहे थे किधर पे,
झाड़ू जमीन हुआ है घर का, लेकिन फिर भी मच्छर पता नहीं कहाँ से आ रहे। बस हाँ बस, ये देखो ये ब्लशर है अम्मा का, दिखा कहाँ दिख रही तू? अच्छा उधर दिख रही, इसके हार पर दिख रही। बता देखो कितना ब्लशर बन गया है, वो भी पीच कलर का। कैसा लग रहा अभी? अच्छा लग रहा है। दिखा जा रहा इधर से, पीच कलर का ब्लशर। ये मच्छर है ना, इसलिए आ रहे शायद से कि हमारी चाली जो बन रही है ना तो गटर खुली थी ना इस वजह से। क्या है अभी? अभी खुश? अभी मैं मच्छी बना दूँ? हाँ। पक्का? हाँ, लेकिन पानी पीने से मेरा खुद का ही कर जाएगा। रुक जा, मैं मच्छी बना लेती फिर चटाई डालती फिर खाना खाती। इसके लिए मुझे देख खाना खाने के टाइम पर पानी नहीं पीना है। अच्छा ठीक है चलेगा, ओके मैं मच्छी बना लेती हूँ। टाइट हो गया क्या कपड़ा? तो बस मुझे खुजा रहा है। चलो कोई नहीं, मैं आके देखती हूँ। चलो अपन बनाएंगे, यहाँ पे मच्छी मसाला लगा के रखी थी, अभी इसको फ्राई कर देती हूँ। तो फाइनली दाल चावल भी रेडी हो गया, और मैंने थोड़ी सी मच्छी फ्राई की है और बाकी मैंने उठा के फ्रिज में रख दिए, शाम में बाबू के लिए अलग से फ्राई कर दूंगी। और इसमें से ना उज़्मा को थोड़े थोड़े से गोश्त निकाल निकाल के खिलाना पड़ता है चुन चुन के, क्योंकि वो कड़क पीस नहीं खाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसके लिए वो इतना फ्राई किया। और मुझे पूछती है आज तुमने लंबी वाली फ़िश क्यों बनाए? उसको मांदेली इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन फ़िश के नाम पे खा लेती है। उसको बांगड़ा हो गई, रोहू फिश हो गई, मतलब वाइट गोश वाली जितनी मच्छी है ना वो बड़े शौक से खाती है। मांदेली भी खाती है लेकिन इतने शौक से नहीं, उसको एकदम छाट के एकदम गोश निकाल निकाल के खिलाना पड़ता है, और मांदेली में गोश निकलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसा है, और यहाँ पर शाम का वक्त है और मैं उज़्मा के लिए थोड़ा सा जूस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अभी रोने का काई को निकलेगा ना, तुमको तो मैंने बोला ना ऑरेंज का जूस दूंगी मैं अपनी बेटी को, है ना? ये वाओ टकड़ टकड़ ये लोग खाए गए वैसे निकल रहा है ना धीरे धीरे जूस, ये देख निकल गया ना, निकल गया। अभी इसका भी हाँ बैठ, तो उज़्मा अभी ना सो के उठी है, और सो के उठते साथ ना थोड़ा रोना चालू हो गया उसका। नींद में सोने के बाद थोड़ा रोती है वो 10 मिनट, लेकिन आज वो 15-20 मिनट से रो ही रही है। तो मैंने नाश्ते के लिए ऑप्शन बहुत सारे पूछे उसको, ब्रेड जैम खाएगी क्या, रोटी खाएगी, चाय रोटी खाएगी क्या, मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए, नहीं मानी। और अभी मैंने उसको ऑरेंज जूस पिएगी क्या पूछी, तो बोलती हाँ ओके मैं पीऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं निकाला, बिल्कुल थोड़ा सी निकाला है, क्योंकि मुझे पता है उज़्मा ऑरेंज जूस नहीं पीती है, वो एप्पल जूस पीती है जो इस डब्बे से निकल जाता है ईजिली, लेकिन एप्पल नहीं था उसको, है ना संतरे का जूस है ना खट्टा लगता है, शक्कर डालना पड़ता है मुझे उसके लिए। तो ऐसा है, सो फाइनली मैं थोड़ी अभी फ्रेश फील कर रही हूँ। एक्चुअली कैसा हो गया था पता है, दोपहर में खाना वाना खाने के बाद उज़्मा के सोने के बाद, ज़्यादा नहीं सोई वैसे तो, वो 1 ही घंटा सोई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोई भयंकर सपना देख लिया। उसको सपने काफ़ी आते हैं और डरावने डरावने सपने ही सुनाती रहती है, जबकि हम लोग पता है रात में भी मैं कितने सूर्य कल में उसको पढ़ा के सुलाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं वो जो सोचती है ना, वो जो देखती है ना वो परियों की कहानी, वो टीवी में वो चुड़ैलों की कहानी, वही उसी वजह से उसको ऐसे मतलब होते रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो डर के उड़ गई,
और जब वो सोई थी तभी मैं अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही थी, उसके अंदर काफ़ी धूल हो गई थी और काफ़ी टाइम से मैंने ना सामान को अरेंज नहीं किया था, कुछ प्रोडक्ट उसमें से एक्सपायरी हो रहे थे, वो थोड़ा हटाने का था, मतलब फीफो करने का था, जो जल्दी ख़त्म जल्दी एक्सपायर होने वाला सामान उसको थोड़ा आगे कर रही थी, तो ऐसा है तो थोड़ा सेट कर दिया उसको। और फाइनली फिर अभी नहा के निकली तो थोड़ा मैंने आँख पे ब्लू काजल वगैरह लगा लिया। ये ब्लू काजल भी मेरे को ना अभी एक क्लीनिंग करने के टाइम पे दिखा, काजल नहीं है वो एक्चुअली में ब्लू लाइनर है, तो वो मैंने लगाया फर्स्ट टाइम। अभी मैंने उसका पैकिंग खोला, मतलब अब भी खोला मैंने, फर्स्ट टाइम ही उसको ओपन किया है, तो वो लगाया क्योंकि उसको एक्सपायर होने के लिए अभी 6 महीना है, तो इसलिए 6 महीने का टाइम है मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो वैसा है, खैर तो अभी उज़मा का ये नीचे एक बच्ची आती है उसके साथ खेलने के लिए, तो उसी के साथ खेलती है वो, तो उसी के घर पे गई है, तो बस मुझे थोड़ा आप लोगों से बात करने का टाइम मिल गया। ऐसा है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़े टाइम में। और ये है मेरी चाय जो मैंने अभी बनाई थी, तो इतनी बच्ची है तो अभी मैं नहा के निकली हूँ तो वापस पी लूँगी, नहाने के पहले ही बनाई थी तो अभी इतनी है तो थोड़ी मैं पी लूँगी। और साइड में मैंने यहाँ पे ना डिम्पो सॉरी बेला के लिए ना फिश उबालने के लिए रखा, और ऐसे ही सुबह से उसको मैंने 2 बार, मतलब जब से मैंने फ़िश ली है 2 टाइम मैंने उसको ऐसे उबाल के उसको पानी पिलाया, क्योंकि बेला थोड़ी सी सुबह से बीमार है, सुबह से उसने मतलब उसका एफर्ट नहीं दिख रहा है, खेल रही है लेकिन खाना खाने में इच्छा नहीं हो रही उसकी, हो जाता है कभी कभी बिल्ली लोग के साथ, तो इसका पानी पी रही है वो, चाबरी नहीं है लेकिन मच्छी नहीं खा रही सीधे सीधे, तो मैं उसको सीधा सीधा ना ये बॉईल करके इसका पानी दे दे रही हूँ मच्छी का, तो वो पी ले रही हूँ, उस हिसाब से उसके अंदर थोड़ी ताकत भी बनी रहेगी और पेट भी भरा रहेगा। तो ऐसा है, तो देखिए यहाँ पे चाय मेरी उबल गई, तो ये है मेरी चाय और ये है इसकी मच्छी और हमारी पारी हो रही है। अच्छा है, पारी हो रही है हमारी, क्या है वो पारी पावरी भी है। चलिए चाय पीते हैं हम लोग, ये मेरा छोटू सा कप है और सच में हमारी फावड़ी और ये आ गई खेल के उज़मा नीचे से, है ना उज़मा, कहाँ गई थी खेलने? और तुम्हारी दीदी की मम्मी को किसने काटा? उस वाइट बिल्ली ने, क्यों काटा? तो उसका बहुत खून निकलने लगा। क्यों काटा? क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। रुक, सच में वही करा था बिल्ले ने? इसे लाइट का बटन है, उसको क्लिक करके दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और क्या दबाने का, वापस बोल। बटन, कौन सा बटन? जो लाइक का बटन है नीचे, वो ही वाला दबा दो। और सब्सक्राइब कर लो। अब तो उज़मा ने भी बोल दी, लाइक का बटन है नीचे वो दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो। अब मैंने ये ब्लू वाला लाइनर लगाई कैसा लग रहा है बताना जरूर। शरीरी टूटी, चलो अल्लाह हाफिज बाबा। क्या ब्लू कलर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, देख ना मेरे आँख में ब्लू कलर दिख रहा है, देख। अच्छा उसमें वो पावरी वाली गाना गाना, ये मेरा खिलौना है और ये मैं हूँ और मेरी पावरी हो रही है। बोल बता। ये पावली हो रही है, ये पावली हो रही है, चारने की पावली, बचपन में बोलते थे इसकी पावली गिरी हुई है। चलो अल्लाह हाफिज, हम लोग को बोलते थे इसकी पावली गिरी, हमारी बिल्ली गिरी थी डिब्बो। अच्छा,